नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो फास्टैग के बारे में, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि फास्टैग ऑनलाइन कैसे परचेस करना है, उसकी एक वेबसाइट है ऑफिशियल गवर्नमेंट की, वहाँ पर कमिंग सून में दिखा रहा है। तो अभी जो वेबसाइट है वो वहाँ पर कमिंग सून की बजाय जो प्रोसेस है वो आ चुकी है। तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि वो सब कैसे करना है। पहले तो आपको उसकी वेबसाइट पर जाना है और मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी पहले थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है IMHCL, वहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो जो भी लोग आते हैं उनके बारे में एक अलग से फास्टैग की सिस्टम की है गवर्नमेंट ने। बैंक भी हमें फास्टैग देती है, लेकिन बैंक में काफ़ी क्या जानकारी का अभाव होता है तो उनके पास उतनी जानकारी नहीं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है उसकी सिस्टम क्या है सब कुछ। वो देखिए, काफ़ी सारी कैटेगरी है, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, काफ़ी चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, काफ़ी ऐसे जो भी लोग आते हैं VVIP VIP कैटेगरी में, ऐसे काफ़ी लोगों को एग्जेम्प्टेड है फास्टैग टोल गेट पर। तो उसमें से लास्ट में जो है हमारा भी एग्जेम्प्टेड है, जो भी फिजिशियल हैंडीकेप पर्सन होते हैं उनके लिए भी टोल टैक्स ऑल इंडिया फ्री है, चाहे कोई भी रास्ता हो, कोई भी कुछ भी हो। अभी तो फास्टैग हो गया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पहले परेशानी होती थी, काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे होते हैं तो वहाँ पर जबरन टोल वसूलते थे, तो वो अब नहीं होगा। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही ले जाकर समझाता हूँ कि क्या सब कैसे करना है, ताकि आपको ठीक से समझ आए। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अभी सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं हम, और ये भगवान श्री राम जी की फ़ोटो पता नहीं कितने सालों से मैंने लगाई हुई है, चेंज ही नहीं की। फिर यहाँ पर गूगल में सर्च करना है IMHCL फास्टैग। ये आ गया फास्टैग, ओके, यहाँ पर फास्टैग आ गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट वाली। फिर यहाँ पर जो एग्जेम्प्टेड फास्टैग, ये एग्जेम्प्टेड फास्टैग ऑप्शन में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आ गया है फास्टैग इंश्योरेंस पोर्टल, इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, यहाँ पर हमारा भी है। और जो आर्मी पर्सन होते हैं नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, उनके लिए भी फ्री है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइनअप करना है। साइनअप करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे हम, और वो हो जाए इस के पे, वो हो जाने के बाद यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ लेंगे एक बार। ओके, ये फॉर्म खुल चुका है। ओके, ये फॉर्म है, यहाँ पर हमें अपनी फ़ोटो लगा देनी है। फिर हमें यहाँ पर अपना नाम बड़े अक्षरों में लिख लेना है दोनों जगह पे, जहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में, पहले और दूसरे में लिख देना है। एप्लीकेंट फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रूफ फॉर ऑथोरिटी रिस्पेक्टिव ऑथोरिटी लेटर इज एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे जो है कैटेगरी कोड एग्जम्पशन, ये हमें जो यूजर मैन्युअल है वहाँ से पता चलेगा ये। फिर यहाँ पे हमें दोनों अपने एड्रेस लिख देने हैं, मतलब सेम एड्रेस ही लिखना जिस एड्रेस पर आप रहते हो, दोनों एक ही लिखना। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर वैलिड लिखना, ये मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपका डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, मतलब आपके बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर लिखना, और साइड में लिख देना शायद बैंक ऑफ इंडिया वगैरह मांगे तो, क्योंकि सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर से वो डिटेल नहीं कर पाएगा आपकी डिटेल। यहाँ पर लिखना है डिटेल ऑफ व्हीकल द फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एज मेंशन इन एनेक्स 1, जो हमने वो PDF डाउनलोड की है वहाँ पर हमें देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आती है, मतलब हैंडीकैप पर्सन को जो एग्जेम्प्टेड दिया हुआ है वो कौन सी कैटेगरी का है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। और ये जो है वैलिड पीरियड, वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा हमारा फास्टैग जो आएगा वो। ये इनकेस MLA MP के बारे में है, ये हमें नहीं लिखना है। और हमें डेट लिख देनी है जब आपने फॉर्म भरा था उसकी डेट लिखनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और इसमें कोई भी भूल मत करना, गलती मत करना, अगर गलती हो जाए तो नई प्रिंट में नया फॉर्म करवा लेना। बाकी यहाँ पर हमें देखना है NUX A में PDF में जाकर के हमारी डिटेल कौन सी रहेगी, तो हम PDF में जाते हैं। ये NUX A है, हम इसमें देख लेते हैं हमारी कौन सी कैटेगरी है हैंडीकेप वाली। ओके, यहाँ पर सीरियल नंबर 5 में है ई कैटेगरी, वी मतलब 5, ये रोमन लैंग्वेज में लिखा है शायद, VE कर देना है हमें। ओके, हमें यहाँ पर हमारी सीरियल नंबर मिल चुका है, जो यहाँ पर हमें
डिटेल में फिल करना था, डिटेल व्हीकल टू एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, हमें यहाँ पर लिखना है वी वी काउंस में वी और काउंस में उसके बाद ई, और पास में ये जो लिखा है मैकेनिकल व्हीकल, ये यहाँ पर यहाँ से लिख कर वहाँ पर लिख देना है, हमें पूरी जगह खाली पड़ी हुई है तो हमें यहाँ पर लिख देना है, पहले काउंस में करना है वी उसके बाद ई और नीचे हमें पूरे का पूरा लिख देना होगा मैकेनिकल व्हीकल स्पेसिफाई डिजाइन एंड कंसर्न कंस्ट्रक्टेड फॉर यूज फॉर पर्सन विद सफरिंग फ्रॉम, वो लिख देना है। वीडियो फॉर्म में कुछ ज़्यादा है नहीं हमें करने का, अगर डिटेल में कोई समझ ना आई हो तो सिंपल सी डिटेल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके मैंने जैसे आपको बताया था वैसे मैंने कर लिया है और मैं साइन अप कर लेता हूँ मेरे वैलिड ईमेल आईडी से। यहाँ पर आप देखना आपके पास जो भी ईमेल आईडी का पासवर्ड हो वहीं डालना और कुछ मत डाल देना गलती से। और यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर ही डालना है ताकि आपको ओटीपी जल्द से जल्द मिल सके, ऐसे ही सिर्फ मत कर देना। उसके बाद हमें लॉगिन करना है, पासवर्ड हमको याद होना चाहिए कि कौन सा पासवर्ड कौन सा मेल आईडी है। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, देखिए लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर्म में करेंगे तो जो मैंने पहले समझाया आपको वही फॉर्म आपको यहाँ पर भी मिलेगा, जो मैंने समझाया आपको वही फॉर्म है ये। फिर हमें यहाँ पर आ जाना है अपलोड वाले सेक्शन में। मैंने जो भी आपको बताया कि आपको स्कैन अच्छे से अच्छा करना है, 500 के बीच तक की साइज है इसलिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी करना है, मतलब हम हैंडीकेप है तो हमें देखना है यहाँ पर कि हैंडीकेप कौन से में आता है। लास्ट वाला है हमारे लिए, देखिए ये 34 कोड है उसका, वहाँ पर 34 मत करना, वहाँ पर वी और जो भी क्या था वी और ई था शायद, मैं भूल गया क्या था, वो करना और साथ में ये पूरे का पूरा लिख देना। फिर यहाँ पर सिलेक्ट आर ओ नेम कर लेना है, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी हो देख लेना, मेरा यहाँ पर कौन सा है गुजरात का तो मैं देख लेता हूँ। ओके मेरा मुझे मुझे मिल गया, मेरा गांधीनगर है, अगर आप पंजाब से हो तो चंडीगढ़ ही होगा शायद आपका। वो जो यूज़र मैन्यू वाले वहाँ पर पूरे के पूरे डिटेल दिए हुए हैं कि आपको कौन सा आर ओ लगेगा कौन से स्टेट में, वो भी लिखा हुआ है, रिलीजन ऑफिस जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमें नाम लिख देना है जो हमें ब्लैक पेन से लिखा है। ओके हमने यहाँ पर लिख दिया है, हमारा ईमेल आईडी जो हमने जिस ईमेल आईडी पर हमने साइन अप किया है वही ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी में गलती मत कर देना आप। ओके मोबाइल नंबर भी हमें वही डालना है जो हमने मोबाइल नंबर उसमें लिखा है। ओके यहाँ पर हमारा व्हीकल नंबर है, ये कुछ गलती मत कर देना आप कुछ भी। ओके हमने इतना फॉर्म फिलअप कर दिया है। स्कैन ऑफ कॉपी ऑफ आरसी, मतलब आपकी आरसी बुक की कॉपी मांग रहे हैं, मैं अभी इसको आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही कोई फोटो अपलोड कर लेता हूँ। ओके ये ज़्यादा बड़ी है। ओके चलो जाने तो मैं आपको समझा देता हूँ, सिर्फ फोटो मेरे पास 500 के भी से ज़्यादा ही है सब। यहाँ पर स्कैन ऑफ आरसी, मतलब आरसी बुक में आपका इनवैलिड कैरिज लिखा हो ना, देख इनवैलिड कैरिज वाली आरसी और उसमें नंबर भी दिखाई देना होगा आपका कार का नंबर। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, मतलब आपका आधार कार्ड जो है आपने जो लिखा हुआ है वो आधार कार्ड में वो मांगेंगे। फिर यहाँ पर प्रूफ ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब हमारा हैंडीकैप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होगा वो। स्कैन ऑफ सिग्नेट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो मैंने फॉर्म आपको समझाया वो फॉर्म सबमिट कर देना है, फॉर्म फिलअप कर देना है यहाँ पर और उसको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे उसके बाद हमें एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने सिर्फ अभी मैंने क्यों ICICI बैंक का कर लिया है तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये किया, वरना मैं आपको सबमिट करके भी दिखा था। तो हमें देखना है सबमिट करने के बाद हमें क्या होना हो, क्या प्रोसेस करनी होगी। ओके देखिए ये सबमिट द एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग सबमिट बटन ऑन सक्सेसफुल सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑटो रिप्लाई ईमेल, मतलब आपको एक ईमेल जो ईमेल आईडी ना डाला होगा आपने अपने फॉर्म में उस ईमेल आईडी पर आपको मेल आ जाएगा
और आप उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, मतलब हमारी रिप्लिकेशन है, हमारी जो आर ऑफिस है वहाँ तक पहुँची कि नहीं, उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया कि नहीं किया, वो सब ओके। इनके और सब एनी ऑब्जर्वेशन इज फाउंड ड्यूरिंग स्क्रिप्टिंग स्क्राइटिंग बाई एन एन आर ओ एन एच आई, मतलब इसमें अगर आपकी कोई गलती होगी और आपने कोई गलती की होगी और उनको लगा होगा कि आपने ये गलती की है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेल करेंगे कि आप इसको फिर से अपलोड करो, या वो जो भी होगा वो आपको कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे, ज़्यादा तो ईमेल ही करते हैं। अपॉन अप्रूवल एंड इंश्योरेंस एग्जाम्प्टेड फास्टैग यूज़र रिसीव्ड एन ईमेल द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब आपका जो फास्टैग है वो बन गया होगा, बन के तैयार हुआ होगा, तो वो आपको मेल करेंगे कि आपका फास्टैग बन चुका है। और उसके बाद 9 नंबर पे है जो यूज़र रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द एशियन फास्टैग फ्रॉम द कंसर्न कॉमर्स क्रम में आर ओ एन एच ए आई रिस्पेक्टिव टू ऑफ आर ओ एन एच ए आई शुड हैंड ओवर फॉर द फास्टैग अदरवाइज रिस्पेक्टिव। जी, जो 9 नंबर वाला है मुझे यहीं पे दिक्कत आ रही थी, क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने उनको मेल किया तो उनको मेल का रिप्लाई भी मिला और वहाँ पर मुझे उनका नंबर भी मिला था, तो मैंने डायरेक्ट उनसे बात कर ली। तो वो भाई बहुत ही अच्छे थे, सर बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आपका जो फास्टैग है वो जल्द से जल्द आपको बाई कुरियर या बाई पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। बाकी यहाँ पर तो ऐसा ही लिखा हुआ है, जितनी मेरी इंग्लिश की नॉलेज है, क्योंकि मेरा इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा ही लिखा हुआ है 9 नंबर में कि जो भी फास्टैग के लिए अप्लाई करता है उसे खुद आर ओ ऑफिस जाकर वो लेना पड़ता है। वो ऑफिसर्स जो होते हैं एनएचएआई की ऑफिस में, आर ओ ऑफिस जो कहते हैं, जो हर स्टेट के कैपिटल में रहती है, मतलब हमारा गांधीनगर है, जयपुर हो गया, वैसे दिल्ली हो गया, यूपी का लखनऊ हो गया, वैसे हर स्टेट में एक आर ओ ऑफिस होती है, वहाँ पर जाकर लेना होगा। तो हमारे गुजरात में तो ये जो है आर ओ ऑफिस, वहाँ पर मैंने कॉल किया तो उन्होंने कह दिया है कि आपको बाई कुरियर पोस्ट भेज दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, तो ये आ जाएगा बाई कुरियर या बाई पोस्ट मुझे तो मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने आईसीआईसीआई बैंक का किया है, अगर वो नहीं आता है तो ही मैं ये ट्राई करूँगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो यहाँ पर नीचे कमेंट कर देना, और अगर कुछ काम हो तो सोशल मीडिया लिंक्स दी हुई है वहाँ पर भी फॉलो कर लेना और मैसेज कर देना, मैं 24 आवर के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने जो भी दोस्त हैं हैंडीकैप लोग उनको साथ शेयर भी कर देना।